हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ सेल्समैन प्रॉब्लम। ये वीडियो नंबर 5 है। मैं पहले 4 वीडियोस जो हैं यहाँ पे बना चुका हूँ। अब ये थोड़ी नेक्स्ट टाइप की वीडियोस हैं। लेट्स सी कि क्वेश्चन किस वे से होंगे और कैसे आप लोग उनको सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों, यहाँ पे जो है कार रेसिंग टाइप कुछ गिवन है। दो टाइप की आपकी कार्स हैं, टू कार्स हैं। और भाई, वन कार कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 5 एंड मिनिमम 4। दैट मीन्स एक कार में या तो 4 बंदे होंगे या फिर 5 बंदे होंगे। ए विल सिट इन द सेम कार इन विच डी, मीन्स ए डी जो है इकट्ठे बैठेंगे, इज सिटिंग, बट एच इज नॉट इन द सेम कार, बट उसमें एच नहीं बैठेगा। चलो जी, एक स्टेटमेंट हो पाई। नेक्स्ट, बी एंड सी कांट सिट इन द सेम कार इन विच डी, बी या फिर सी उस कार में नहीं बैठेंगे जिसमें जो है आपका एच बैठा हो, सॉरी डी बैठा हुआ है। राइट, बी एंड सी कांट सिट इन द सेम कार इन विच डी इज सिटिंग। दैट मीन्स ये और ये इकट्ठा कभी भी नहीं बैठ सकते हैं। याद रखना, ऐसा अभी कुछ है नहीं कि बी सी टुगेदर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अभी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इट्स डाउट। तो मैं यहाँ पे ये डाउट लिख देता हूँ, याद रहेगा हमें। एफ विल सिट इन द कार ऑफ 4 पीपल। एफ जो है 4 पीपल के साथ बैठेगा, ओनली अलोंग विद ए एंड ई, और उनके साथ ए एंड ई भी होगा, बट नॉट विद जी, और उनके साथ जी नहीं होगा। और मैं 4 पीपल कार यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 4 पर्सन, याद रखने के लिए। ठीक है जी, चलो ये आपकी जो है यहाँ पे स्टेटमेंट्स बन पाई। अब आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ एच एंड जी आर सिटिंग इन द सेम कार, तो बच्चों एच और जी बैठ चुके हैं कार में। हु आर दोज टू स्टूडेंट सिटिंग इन द सेम कार, अगर दो स्टूडेंट सामने बताने हैं कि कौन से वहां पे बैठेंगे, तो पीछे जाके देख लेते हैं। देखो, अगर एच बैठा है तो बच्चों कभी भी डी उस कार में नहीं बैठ सकता है। तो बच्चों डी उस कार में नहीं बैठ सकता, डी उस कार में नहीं बैठ सकता, दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हुए। अब H और G का B एंड C से कुछ लेना देना नहीं बनता कहीं पे भी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो G का जो है A, F, A, E से लेना देना बनता है, बट H एंड G से कुछ भी लेना देना नहीं बनता है। दैट मीन्स कि ये आपका ऑप्शन बन सकता है। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। इफ E एंड A आर सिटिंग इन द सेम कार, तो E एंड A बच्चे वो बैठ चुके, दैट मीन्स कि F तो बैठेगा ही बैठेगा, क्योंकि इट इज़ गिवन कि ये तो इकट्ठे जाएंगे और उसमें 4 ही बंदे बैठेंगे। ठीक है जी, चलो हमें एक कैंडिडेट और भी चाहिए। तो 5 स्टूडेंट आर सिटिंग इन सेम कार, नहीं बच्चों उसमें सिर्फ 4 बैठेंगे, उसने क्लियर किया है ये चीज़। बी सिटिंग इन द सेम कार, हाँ बी बैठ सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 5 F इज नॉट सिटिंग द सेम कार, ये भी गलत होगा। तो ठीक है बच्चों, आपका जो आंसर है यहाँ पे वो बी बन पाया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सुपरफ्लुअस फॉर द अबोव सिटिंग अरेंजमेंट, वो ये कहना चाहता है बच्चों कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आपने यूज ही ना किया हो। तो मुझे नहीं लगा कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट है जिसका हमें यूज ही ना करना पड़ा हो, सभी स्टेटमेंट यूज करनी पड़ी है, दिखावटी स्टेटमेंट कोई भी नहीं है। तो आंसर क्या रह जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दिस। तो होपफुली आप लोगों को ये डबल कार वाला झंझट जो है समझ आ पाया होगा कि किस वे से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।